अग्नि, मेरे पूजा घर में अग्नि कैसे लगी? मेरे पूजा घर में अग्नि लगे, कोई तो मेरे पूजा घर की रक्षा करो। चंद्रिका, भद्रेश, रूपाली, शीघ्र आओ। देखो क्या हुआ, पहले शिवलिंग की रक्षा करो, पहले शिवलिंग की रक्षा करो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चल लेके आओ, आराधना करती थी वे शिवलिंग भस्म हो गए। मेरे आराध्य के प्रति मेरे शिवलिंग भस्म हो गए। ये कैसा अनर्थ हो गया महेश्वर, रत्नों के शिवलिंग की रक्षा भी मैं न कर सकी। अग्निदेव का ये कैसा प्रकोप है, ये मेरे किस अपराध का दंड है? साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं, मैं ओंकार हूं। नंदी आदि की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिलने पृथ्वी के एक ग्राम प्रदेश पहुंचे तो माता ने स्वयं अपना स्वरूप अस्वीकार करते हुए अपना नाम पार्वतिया बताया। पार्वती के व्यवहार से शुद्ध शिव शंकर अपने अपमान का परिणाम भोगने की चेतावनी देकर वहां से अदृश्य हो गए, जिससे पार्वती का मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। नारद जब शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो उन्हें नंदी आदि गणों से ये समाचार ज्ञात हुआ कि शिव पार्वती एक दूसरे से रूठकर कहीं अदृश्य हो गए। शिव व्यवसायी सोमसेन का रूप धारण कर पृथ्वी लोक की महान शिव भक्त नर्तकी महानंदा से भेंट कर उससे 3 दिन तक अपनी पत्नी बने रहने का निवेदन करते हैं, जिसकी सहर्ष स्वीकृति पर शिव उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग अपने प्रवास तक रखने के लिए देते हैं। शिव पुत्रों श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय की भेंट मार्ग में नारद से होती है तथा पता चलता है कि उनके माता पिता कैलाश से रूठकर कहीं चले गए हैं। श्री गणेश अपनी दिव्य दृष्टि से माता पिता की स्थिति देखते हैं। वो चिंतित मुद्रा में श्री कार्तिकेय को पिता शिव के पास महानंदा भवन भेज स्वयं पर्वतिया बनी माता पार्वती के पास जाते हैं। ग्रामीण वेश धारणी पर्वतिया न केवल गणेश को अभी तो अपनी माता महारानी मैना को भी पहचानना स्वीकार कर देती है। शिव लीला के अंतर्गत देवी पार्वती पर्वतिया तथा शिव व्यवसायी सोमसेन के रूप में विभिन्न स्थानों पर अपना अपना पात्र निभा रहे थे, किंतु इस नाटक की नाटकीय घटनाओं से श्री गणेश, कार्तिकेय एवं नारद असमंजस में घिर गए थे। देवर्षि नारद ने नाटक के पात्रों को उद्घाटित करने की चेष्टा तो की किंतु व्यर्थ, कारण नाटक के एक अध्याय के पश्चात दूसरे अध्याय का आरंभ होना ही
शिवलीला का रहस्य था। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पर्वतिया रूपी पार्वती कुटिया के भीतर माता महारानी मैना की मान सम्मान सहित आरती उतार रही है। अपन महारानी की का कहें, हमरे तो भाग्य उदय हुई गए। हमार महारानी हमार बस्ती में पधारी, हमसे बतियाई, हमार मन तो प्रफुल्लित हुई गवा। इनका बड़ा उपकार भया हम पर। बोलो हमार महारानी की जय। हमार महारानी की जय। तुम हमें पहचानना नहीं चाहती पार्वती? ए लो मैया री मैया, ई का कहत हो महारानी जी? काहे नहीं पहचानेंगे हम आपका? पहचाने हैं तो ही तो आरती उतारे हैं हम आप ही का। चरण छुए हैं हम अपनी महारानी के। क्यों री चंपा, का कहत हो? ठीक कहत हो, जो तुम कहत हो हम भी वही कहत हैं। आप सुनत हैं ना महारानी जी, हमार सखियां भी यही कहत हैं। अब और अधिक तुम्हारा स्वान हमसे देखा नहीं जाता पार्वती। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हमारी पुत्री हो और शिव शंकर की भारिया देवी पार्वती। अब छोड़ो ये सब स्वांग और चलो मेरे साथ महल में। जब तक शिव शंकर तुम्हें स्वयं लेने नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। चलो। कहीं ये पार्वतिया स्वांग करे है? कौन जाने ये पार्वतिया है कि पार्वती है। महारानी उनका पुत्री कहत है, शिव जी की भारिया कहत है। हमको तो कुछ गड़बड़ लागे है। ही देखा, महारानी हमका अपनी बिटिया बतावत है, पर हमरे ऐसन भागे कहाँ? हमका अपना महल में ले जावे की चाहत है। का हो सखियों, का कहत हो? जावे हम इनके संग? नहीं नहीं, तुम सबका छोड़कर हम कैसे जा सकत है? ये पार्वती नहीं, पर्वतिया है पर्वतिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्वती के चेहरे वाली इस पर्वतिया को मैं ही पार्वती समझ रही हूँ? एक से चेहरे वाली दो कन्याएं भी तो हो सकती हैं। नारायण नारायण। महारानी मैना प्रणाम। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम नानी जी। माता, आपके इस अपरिचय और स्वांग के कारण कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। रूठे हुए भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर नर्तकी महानंदा के महल में पहुंच चुके हैं, जहां महानंदा उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। भगवान शिव शंकर मुझसे रुष्ट होकर कहां तक जा पहुंचे हैं? अब मैं क्या करूं माता? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आंसू मत भाई माता, मैं उस दुष्ट महानंदा को इसी क्षण दंडित करूंगा। श्री गणेश, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं देवर्षि, भूल कैसी? आपने तो रहस्य पर पड़े आवरण को हटाकर स्थिति को सुधार दिया है। वैसे भी हम सब तो शिव लीला के पात्र हैं, वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है महानंदा, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं?
स्वामी, आपके द्वारा दिए गए वचन और मेरी स्वीकृति के अनुसार 3 दिन तक मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ, किंतु अब तक आपने मुझे अपने से दूर दूर रखा और अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया, इसी का मुझे दुख है। किंतु स्वामी, मन ही मन मैंने भी एक निश्चय कर लिया है। कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या निश्चय किया है तुमने? यही कि अब इस जीवन में आपके अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करने से पूर्व तुम्हें दूरदर्शिता से अपने भविष्य का विचार करना चाहिए। मैं तो मात्र 3 दिनों का अतिथि बनकर आया हूँ, समय पूर्ण होते ही लौट जाऊंगा, उसके पश्चात तुम क्या करोगे? शेष जीवन आपकी स्मृति में व्यतीत कर दूंगी स्वामी, केवल आपकी स्मृति में। जानत रही तुमका कि तुम पर्वतिया नहीं देवी पार्वती हो। हमें क्षमा कर दियो देवी, हमसे भूल हो गई, हमका क्षमा कर दियो। हम तो का समझ रहे अपने जैसे गांव की छोरिया, पर तुम तो देवी पार्वती बा, हमका क्षमा करी दे। न जाने हम तुमको का कह दिए, तुम इतने बड़े महाराज की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिव जी की पत्नी, हाय मैया हमका क्षमा करी दो। अरे ये क्या क्षमा क्षमा की रट लगा रखी है तुम सबने? अरे हम कहत हैं ये का क्षमा क्षमा करत हो। तुम सबने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा मन स्वच्छ और प्रेम भरा ना होता तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? नारद, तुम्हारी नारायण भक्ति पर मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा। कहते कुछ हो, करते कुछ और ही हो। मेरा अपराध बताए माता।
नारद, क्या यह अपराध नहीं कि दिन रात नाम नारायण का भजो और कार्य शिव पार्वती के करो? मुझे तो लगता है कि इस समय भी तुम यहाँ शिव पार्वती की समस्या को लेकर ही आए हो। श्री हरि, माता लक्ष्मी के वाग बाणों से कृपया आप मेरी रक्षा करें। मैं तो भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी का चरम सेवक हूँ, और ये तीनों ही मेरे लिए समान रूप से पूज्य भी हैं। किंतु नारद, इस समय तुम्हारे चेहरे की चिंता से तो शिव पार्वती के चित्र ही उभर रहे हैं। आपने सत्य कहा माता, मैं इस समय भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मध्य उत्पन्न मतभेद के कारण चिंतित हूँ। भला भगवान भोलेनाथ से उनकी शक्ति कब तक दूर रह सकती है? श्री हरि, अब तो आप ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ नारद, खेल खेल में शिवलीला आरंभ हुई और दुखद स्थिति तक जा पहुंची। श्री हरि, इस शिवलीला का अंत भी तो होना चाहिए। दोनों के मिलन के साथ ही शिवलीला भी समाप्त हो जाएगी नारद। अर्थात शिवलीला के समाप्त होते ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का मिलन हो जाएगा? भविष्य में अवश्य हो जाएगा, किंतु वर्तमान में तो दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं है नारद। किंतु श्रीहरि, त्रिदेव तो सदा जगत को यही कहते आए हैं कि झुकाने के लिए झुकना अति आवश्यक है। मैं तो परमपिता ब्रह्मा जी से यही निवेदन करके आ रहा हूँ कि वे और आप यदि प्रयास करें तभी समस्या का समाधान निकल सकेगा। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती आपकी सखी है ना? तो आप उनसे कहें कि अब इस प्रसंग का अंत करें। अर्थात उनसे झुकने के लिए कहूं? नहीं, मैं उनसे कभी झुकने के लिए नहीं कहूंगी। और फिर मेरे कहने से क्या होगा? क्या वो मेरी बात मानकर झुक जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं।